उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी सागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया पिछले कुछ समय से लगातार हथियारों का परीक्षण और प्रदर्शन कर रहा है और ये बैलिस्टिक मिसाइल भी उसी का हिस्सा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने ये परीक्षण दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागने के अभ्यास के तहत दागी है। उत्तर कोरिया इन दिनों तेजी से और रिकॉर्ड संख्या में हथियारों का परीक्षण कर रहा है क्योंकि शासक किम जोंग उन रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में तेजी से अपने हथियारों का विकास करना चाहते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि पिछले सप्ताह समुद्री प्रक्षेपणों के बीच दक्षिण की ओर दागी गई उत्तर कोरियाई मिसाइल का बरामद मलबा संभवत सोवियत काल 1960 के आसपास का विमान रोधी हथियार का था। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि रविवार को कोरिया की पूर्वी समुद्री सीमा के पास समुद्र से बरामद किए गए 3 मीटर करीब लंबे मलबे के विश्लेषण से पता चला कि ये उत्तर कोरिया की SA-5 सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों में से एक थी। वहीं मंत्रालय ने कहा कि इसी तरह की मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान जमीनी हमलों को अंजाम देने के लिए किया था। दक्षिण कोरिया द्वारा इस मिसाइल के मलबे की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये मिसाइल पिछले बुधवार को उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई 20 से अधिक मिसाइलों में से एक थी।